हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अफशास किचन। आज हम बनाएंगे पाव भाजी। फ्रेंड्स, पाव भाजी बनाने के लिए हमें चाहिए पाव और दो टमाटर कटे हुए, एक शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और चार हरी मिर्ची कटी हुई और दो टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, दो प्याज कटे हुए और मसाले में जीरा एक चम्मच, दो बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चुटकी हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और कुछ सब्जियां उबालने के लिए, जैसे एक आलू, आधा गोभी, आधा ये जो है अपने गाजर और एक कटोरी मटर, पकाने के लिए मक्खन और पाव भाजी मसाला और धनिया के पत्ते। फ्रेंड्स, सबसे पहले सब्जियों को हम उबाल लेंगे। इसमें आप डाल दीजिए कम से कम दो गिलास पानी और इसको 10-15 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से उबाल लेंगे ताकि गल जाए अच्छी तरह से। बस फ्रेंड, जब तक हमारी सब्जी उबले जब तक हम मसाला तैयार कर लेंगे अच्छी तरह से। इसमें कम से कम 3-4 चम्मच मक्खन डालिए। तेल का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ मक्खन का करेंगे। थोड़ा सा ये पिघल जाए उसके बाद हम डालेंगे जीरा। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये गरम हो गया है मक्खन, इसके बाद हम डालेंगे जीरा और हमारी सब्जियां जाएंगी, प्याज मिर्ची, इसको थोड़ा चला लीजिए। ज़्यादा सब्जियों को तलना नहीं है, बस हल्का सा सौते करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे टमाटर, शिमला मिर्च, थोड़ा चलाने के बाद अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। और इसके बाद जाएगा नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अभी मिला लीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद आप डालिए पाव भाजी मसाला 2 बड़े चम्मच। इसको अच्छी तरह से चलाइए जब तक ये थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। के बाद जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा हरे धनिया के पत्ते भी फ्लेवर के लिए। अच्छी तरह से मिलाइए, हल्का 5-6 मिनट भूनिए इसको। फ्रेंड्स, थोड़े से मसाले में हम नींबू डालेंगे, आधा नींबू, इसके बीज ने आए कड़वा हो जाएगा नींबू, बस नींबू फेंक दो और इसको आप अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ा सा खट्टापन आएगा। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि हमारी सब्जियां गल गई हैं। देखिए परफेक्टली कुक्ड हो गई, चेक कर लीजिए गले की नहीं गली, हाँ गल तो गई। अब इसको आप इसमें डाल दीजिए, अब इसको अच्छी तरह से मैश करिए, चम्मच से करिए या पोटैटो मैशर से भी आप कर सकते हैं। सब्जियाँ अच्छे से गली हुई होना चाहिए तभी मज़ा आएगा भाई। मैं पोटैटो मैशर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आप अच्छी तरह से मैश कर दीजिए। फ्रेंड्स, ये सब्जी हमने अच्छी तरह से घोट ली है, उसके बाद हम इसमें एक ग्लास के करीब पानी डालेंगे।
और इसको खूब अच्छी तरह से चलाएंगे और 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये गाढ़ी होती जाएगी पकते पकते। फ्रेंड्स, हमारे पाव भाजी रेडी है। अब हम पाव को फ्राई कर लेंगे। पहले आप मक्खन डालिए, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और हमारे पाव। बाजार की तरह आप उसको अच्छी तरह से सेक लें, स्ट्रेट स्ट्राइक। फ्रेंड्स, अब हमारी पाव भाजी रेडी है। अब चलिए सर्विंग प्रोसेस के लिए। अब इसमें हम कटोरी में निकाल लेंगे। ये देखिए कलर कितना अच्छा है। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा मक्खन डालेंगे, थोड़े से धनिया के पत्ते, और इसको आप सर्व करें और इंजॉय करें अपने फ्रेंड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।